ये बना देती है। ये गुजर रही है, ये देखो नजारा भाई, नजारा देखो। कोई चीज दिखाता हूँ मैं, वो देख लो वाइट वाइट, ये देखो। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज कलर मैन। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, स्वागत करता हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं होटल रूम, और ये हमारा अच्छा सा छोटा सा रूम है, किराया भी ठीक ठाक है, मतलब रेंट सॉरी प्राइस भी ठीक ठाक है, और बाथरूम भी बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हनॉल के लिए, और बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको कैसा है। मैं वो जा चुका है कार में, मैं निकलता हूँ, सामान ढोला है, मैं देखो देख रहा हूँ, होटल ढूंढ रहा हूँ मैं। सब चीज़ सही है, व्यू सब सही है, व्यू दिखाता हूँ आपको आगे का, व्यू देखोगे, व्यू देखो व्यू भाई, इधर का ये व्यू है होटल रूम से, और एक उधर साइड भी है, और ये रहा यहाँ पे रेस्टोरेंट। यहाँ से चेकआउट करते हैं, हम निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और कार में बैठते हैं, बाल खराब हो गए सारी चीज़, जल्दी निकलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, आधे घंटे लेट हैं हम अपने टाइम से, कोई नहीं, टाइम से पहुँचते हैं, जल्दी पहले आ गए, फिर मिलते हैं आपको आगे। ये है व्यू उधर का, मैं ज़रा देख लो, और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, हमारी कार वहाँ पे पीछे, और इधर का ये नज़ारा ये देखो भाई, वो शायद मेरे ख्याल से कैंपटी फॉल वाला है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और ये पीछे का व्यू इतना शानदार है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, अभी 7:50 हो चुके हैं, और हम 7:30 निकलने वाले थे, तो हम ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं जल्दी जल्दी, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, ब्लॉग बने रहना। ये रहा केम्प्टी फॉल वाला रास्ता, और हम लोग आ रहे, देखो मसूरी 17 किलोमीटर है, केम्प्टी फॉल 1 किलोमीटर है, देहरादून 49 किलोमीटर है, और हमें जाना है इधर हनॉल की तरफ, और इधर का व्यू, और ये इधर का व्यू, और ये रहे हम, चलते हैं अपने लोकेशन पर जल्दी से जल्दी, और अभी कुछ नाश्ता भी नहीं किया, तो नाश्ता भी करेंगे आगे चल के, फिर आगे का व्यू आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहना पूरा एंड तक। पीछे ही था। तो अभी हम रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, अभी कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि अभी दर्शन करना है। तो अभी व्यू दिखाता हूँ इधर का, व्यू कितना शानदार है, व्यू दिखाता हूँ, व्यू देख रहे हो, अभी तो कुछ नहीं है, अभी हमें और जाके जाना है, ठीक है, और ये इधर का छोटा सा व्यू है। सारा कच्ची कच्ची ही आना, ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे वोमिटिंग हो गई थी, और इसलिए थोड़ा सा सोचा कि ब्लॉक कर लेते, क्योंकि फिर कार से बाहर रहूँगा ना तो अच्छा महसूस होगा। पल्स टॉफ़ी भी खा लिया, और उल्टी ना हो मैं कार में बैठा हूँ, मैंने कहा इधर मत आना, मुझे भी देख के बोलने लगी, तो फिर वही ड्राइवर हमारे पास, मतलब जिसको कार चलाने आती है, मुझे उतनी नहीं आती अच्छे से, पहाड़ों पर तो कभी चलाया नहीं है, तो इस वजह से नहीं आएगी, शहर में बहुत ही मतलब ना के बराबर आती है, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए वैभव को मैंने उधर ही रखा। यहाँ का नज़ारा देख लो एक बार, अब यहाँ से निकलते हैं, नज़ारा ये। वो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो देख रहे हो वाइट वाइट, ये देखो बस, वो बर्फ़ है भाई, हम मेरे को पता नहीं था यहाँ बर्फ़ मिलेगी, बहुत दूर है वैसे, बहुत दूर है। कार ये रही, और चलते हैं कार के, व्यू इधर का क्या शानदार व्यू है भाई, ये व्यू देखो आप। तो यहीं पे हम हैं, और हमारी हालत तो वोमिटिंग कर कर ही ख़राब है, फिर ब्लॉग कर रहे हैं भाई, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे मेरा थोड़ा सा मन लग रहा है, रोक रोक के थोड़ा सा मैं खुश हूँ, ठीक है। और ये यमुना नदी है, ठीक है, जो गुजर रही है यहाँ से, और ये देखो नज़ारा भाई, नज़ारा देखो आप। और हमें बस आगे जाना है करीबन, अब यहाँ से 70 किलोमीटर और है, और आगे जाना है, फिर वहीं हमारा डेस्टिनेशन है, चलते हैं वहाँ पे। भाई साहब ये है व्यू, तो फिर मुझको सताओ, तो फिर आओ मगर
ये व्यू इधर का, व्यू देख रहे हो इधर का, चेहरे पे स्माइल है ना, लेकिन अंदर से मैं पूरी शरीर एकदम वोमिटिंग से ख़राब हो चुकी है यार, मूड ख़राब हो गया। हमारा पूरा ट्रिप मेरे वोमिटिंग की वजह से ना ख़राब हो गया। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, 2 घंटे लेट चल रहे हैं मेरे वोमिटिंग की वजह से। क्या ही कर सकते हैं भाई, गिरूँ ना मैं। कोई ये चीज़ देखो, हम लोग यमुना नदी के पास है, इनका यहाँ तो नाम चेंज हो गया है। बहुत जोरों से चोट लगी, बच गया। हाँ ये देखो, मौसम चेंज। मैम अंदर बैठोगे? अंदर बैठोगे? ठीक है। भंडारा का खाना है, इसे खाएंगे फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो इसको प्रणाम कर लो और फिर खाते हैं। सो हेलो फ्रेंड, अभी मैं आ चुका हूँ और अब आरती होने वाली है यहाँ पे, जो भी सीने 9:30 बजे हो जाती है। हमने भंडारा भी कर लिया, खा लिया, मतलब तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही ना यार, क्योंकि उल्टी उल्टी हो गई है काफ़ी वोमिटिंग, तो आराम ही कर रहा था काफ़ी। तो दिखाता हूँ, भंडारा दिखाई दी आप सभी को, अभी हम दर्शन करेंगे, मतलब आरती होगी, आरती देखेंगे, फिर सुबह एक बार अच्छे से दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से रवाना होंगे लाखा मंडल के लिए। लाखा मंडल में दर्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे मसूरी या धनौल्टी जाएंगे पहले, ठीक है, फिर वहाँ सुरकंडा माता का दर्शन करेंगे। अलग अलग व्लॉग आएगी सबकी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो समझ नहीं आएगा आपको। तो पीछे देख रहे हो मंदिर है, मंदिर दिखाता हूँ आपको अच्छे से, फिर आप। ये है महासुदेवता का मंदिर और इनके छोटे भाई का पीछे है, ठीक है, और ये 3 भाई का है, क्योंकि जहाँ तक मुझे कहानी पता है कि ये 4 भाई थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ राक्षस वक्षस का सीन था, तो जिसकी वजह से कि यहाँ पे आते थे, तो फिर ये महासुदेवता कश्मीर में रहते थे, 4 भाई थे, तो कश्मीर से जाके इनको लाया गया था, तो इन्होंने उस राक्षस का वध किया था। तो जब चारों भाई जब प्रकट हुए अपने माताजी के साथ, तो छोटे वाले भाई, क्योंकि इनकी कहानी की थी, कहानी बहुत बड़ी है, मैं आपको एक अलग व्लॉग में इसको कवर करूँगा, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। क्योंकि फिर वो जब प्रकट होने वाले थे, जिस आदमी से उन्होंने बोला था मैं आऊँगा इस दिन, वो आदमी कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही यहाँ पर खेती कर दिया, उन्हें बोला था उस दिन खेती करने को। तो उससे हुआ क्या कि भाई अलग अलग प्रकट हुए, तो छोटे भाई को चोट लग गई थी और सारे भाइयों को छोटी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी छोटे भाई वहाँ अपना अलग, उनका दिखाऊंगा मंदिर वहाँ पे है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, मतलब पीछे, और ये 3 भाई माता जी का मंदिर है तो यहाँ पे है, लेकिन हम लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे पुजारी जाते हैं वहाँ पे, और एक पुजारी जाएंगे तो दूसरा पुजारी नहीं जाता, केवल एक ही पुजारी जाते हैं। यहाँ की एक कथा है, मैं आपको कल एक प्रधान जी के मुंह से सुनाऊंगा ये चीज़, अब हम असली शब्दों में, कि वो अच्छे से बताएंगे कि यहाँ पे क्या सीन था क्या नहीं। तो ब्लॉग बने रहो और यहाँ अभी आ सकते हो आप, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह लोग जा रहे हैं मंदिर में, और यहाँ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ सकते हो, हनौल में है ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो इधर नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सही है, मैं आपको सुबह दिखा दूँगा और अच्छे से, ठीक है। और हमें तो होटल मिल गया है, मतलब रूम मिल गया है अच्छे से, और प्रधान जी ने हमें दे दिया है, क्योंकि वो हमें वो अपने तरफ से हमें दे दिए हैं होटल रूम,
तो हमारे लिए बहुत अच्छी सी बात है ये कि हमें वो होटल रूम मिल चुका है, ठीक है। और अगर मैं आपको प्रधान जी से बात कराऊंगा, अगर आपको यहाँ पे आना है तो प्रधान जी के आप होटल में रुक सकते हो और हमारी तरफ से आपको अच्छे से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रधान जी से कल खुद से रूबरू कराऊंगा, ठीक है। तो ब्लॉग बने रहो और दिखाता हूँ आरती होती है तो।